So dear students, I welcome you all. What is the question? Find the value of tan 75 degree plus cot 75 degree. है ना? Standard angle नहीं है 75 degree. That is why हम इसे standard angle में तोड़ लेंगे. ठीक है? यहाँ पर मैं formula लिख रहा हूँ जो मुझे लगाना है. Suppose करिए मुझे tan A plus B निकालना है. ठीक है? मैं क्या formula लगाता हूँ? ध्यान से देखिए. Tan A plus tan B upon 1 प्लस टेन ए टेन बी. ओके सॉरी नीचे माइनस होगा. ठीक है डिनोमिनेटर में बच्चों माइनस होता है. लेट मी करेक्टेड माइनस. और जब मुझे कॉट ए प्लस बी निकालना होता है तो क्या करता हूं? ये इसी फॉर्मूले को से हम याद रख सकते हैं कि हम रिवर्स कर देते हैं और विद माइनस साइन. ठीक है तो मैं लिखूंगा कॉट ए cot b माइनस वन अपॉन नीचे cot a प्लस cot b ही रहे. ओके तो अब ये जो tan 75 डिग्री है बच्चों इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखिए. इसको मैं लिख सकता हूं tan 45 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज. और cot 75 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? उसको भी ऐसे ही लिख दूं. cot 45 डिग्रीज प्लस 30. ओके 45 प्लस 30 डिग्री तो ए प्लस बी की शक्ल में टूट गया. बहुत आसान हो गया. अब इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं एंड इट इज इक्वल टू tan 75 डिग्रीज प्लस tan 30 डिग्रीज अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्रीज डॉट tan 30 डिग्रीज. कॉट के लिए लिख लेते हैं. ध्यान से देखिए कॉट 45 डिग्रीज प्लस ओ सॉरी इनटू होगा इनटू कॉट 30 डिग्रीज एंड माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉट 45 डिग्रीज प्लस कॉट 30 डिग्रीज. राइट अब हम वैल्यू पुट करते हैं और उसके लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं. tan 75 डिग्रीज इट इज इक्वल टू 1. tan 30 डिग्रीज किसके बराबर होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 3. राइट अपॉन 1 को तो ऐसे ही लिख देंगे. माइनस आ गया. tan 75 45 डिग्रीज इज अगेन 1 इंटू tan 30 डिग्रीज इज अगेन 1 बाई रूट 3. इसको बाद में सॉल्व करेंगे. पहले ये वाली कॉट वाली वैल्यू लिख देते हैं. इट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉट 30 डिग्रीज इट इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 एज इट इज अपॉन कॉट 45. हम जानते हैं 1 होगा प्लस कॉट 30 डिग्री इट इज रूट 3. बच्चों इसको ध्यान से देखिए. बहुत ध्यान से. ये बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है. रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3. मैंने एलसीएम ले लिया. यहां पर हो गया रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3. अब देखिए दो रूट 3 जो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं इनको मैं यहीं पर काट देता हूं. ओके प्लस ये यहां पर आ गया रूट 3 माइनस 1 अपॉन इसको ऐसे लिख लेते हैं रूट 3 प्लस 1. आई होप आप समझ पा रहे हैं. ओके तो अभी हमारे पास जो बेसिकली वैल्यूज बची हैं अब इस क्वांटिटी को मैं लिख रहा हूं. ध्यान से देखिए रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1. मैं क्या करूं? एलसीएम ले लेता हूं. एलसीएम लूंगा तो मुझे आएगा रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 प्लस 1. राइट ऊपर की क्वांटिटी रूट 3 प्लस 1 है और नीचे यहां पर रूट 3 प्लस 1 है तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर. बस यहाँ क्वांटिटी है रूट 3 माइनस 1 यहाँ भी रूट 3 माइनस 1 यहाँ हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर. ओके चलिए ये क्या दिख रहा है आपको? ये a माइनस b मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b दिख रहा है और ये किसके बराबर होता है? हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होता है. राइट तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. बच्चों ऊपर क्या दिखा है? a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर. क्या ये बात समझ में आती है? ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर या
टू को कॉमन लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं बहरहाल पूरा लिख देता हूं, ध्यान से देखिए, रूट थ्री स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री डॉट वन प्लस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री डॉट वन। क्या बात समझ में आती है? ध्यान से देखिए, बहुत ही इत्मीनान से हम ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं बच्चों, काट सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब ये बची हुई जगह जो है मेरे पास थोड़ी सी, यहां पर मैं बाकी की वैल्यू लिख दूंगा। मेरे पास एक तो बचा रूट थ्री स्क्वायर विच इज इक्वल टू थ्री, एक बचा वन विच इज इक्वल टू वन रूट थ्री स्क्वायर जो के थ्री हो गया, और एक ये वन स्क्वायर बचा जो के बेसिकली वन हो गया। नीचे क्या बचा? रूट थ्री स्क्वायर जो के थ्री हो गया माइनस वन। क्या हो गया बच्चों? तीन और एक चार और तीन सात और एक आठ, आठ बटे तीन माइनस वन इज इक्वल टू दो इज इक्वल टू चार एंड फोर इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए इसको, आगे और क्वेश्चंस लगे में उनको देख लीजिए। Yeah.